हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पर हम सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें 50 प्रश्न हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ और पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी 50 प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने इसमें कितने सही किए हैं, ओके। और सभी प्रश्न का आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और यदि आप बैंक एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है पढ़ो इंडिया हिंदी, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम वहाँ पे जो भी अपडेट देते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न बहुत ही सिंपल से हैं, लेकिन आपके काम के बहुत हैं, क्योंकि इससे आपका रिविजन हो जाएगा बेहतर तरीके से। तो 50 प्रश्न हैं, सभी देखिएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सबसे पहले तो सूरदास का जन्म समय क्या है? तो 1478 जो है इनका जन्म समय है। इनके गुरु जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, पुष्टिमार्गी भक्ति का संबंध किस वाद से है? तो शुद्धाद्वैतवाद से है, और शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत से संबंधित हैं निम्बकाचार्य, अद्वैतवाद से संबंधित हैं शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 3 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो अज्ञेय से संबंधित है, ए ऑप्शन 1943 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन है, गोदान उपन्यास से है, होरी कितने बीघे जमीन का कृषक था? तो ये सी ऑप्शन 8 बीघे का था। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, काशी के नाम किसका पत्र संकलन है? तो ए ऑप्शन काशीनाथ सिंह का है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 है आपका, भक्ति काव्य और लोक जीवन के रचयिता कौन है? तो डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, सूफी शाखा का रोमांचक कथा काव्य परंपरा नामकरण किसने किया था? ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 7। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र। सूफी काव्य का रोमांचक कथा काव्य परंपरा नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। प्रश्न नंबर 8 है, महाराज शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? महाराज शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसाद। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, अ कविता पत्रिका का 1965 में किसने निकाली थी? अब यहाँ पे आपको एक निकल के आया है कि अ कविता जो है पत्रिका 1965 में प्रकाशित हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मल्लिका कौन से नाटक की पात्र है? तो नोट करेंगे आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, लहरों का राजहंस भी उन्हीं का नाटक है, ये 1958 में प्रकाशित हुआ है और ये 1963 में, ठीक है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, 1928 में प्रकाशित हुआ है। कामायनी कामना 1927 में प्रकाशित हुआ था, ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े किसकी कृति है? ये एकांकी है, ये है भुवनेश्वर की, तांबे के कीड़े। प्रश्न नंबर 12 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत की बात की गई है, तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो होगा चेन्नई, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 जो आपका प्रश्न है वो है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन हैदराबाद। प्रश्न नंबर 13 है आपका, वर्ष 2002 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस रचनाकार को सम्मानित किया गया था? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब जो हो जाएगा रामदरस मिश्र। पानी की प्राचीर इनकी एक फेमस रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कुरकुर साह के रचनाकार कौन है? तो ये है मनोहर श्याम जोशी, इनका ये उपन्यास है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम ही कथन किसका है? तो ये है नंदुलारे वाजपेयी का, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नाटक नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला जो हमारा प्रश्न है, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मतलब कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 12
12, ठीक है, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में। प्रश्न नंबर 18, काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 18 ये प्लेटो का है, प्लेटो 427 समय है, अरस्तु 384, कॉलरिज 1772, क्रोचे 1866। नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19, काव्य स्यात्मा ध्वनि रीति किस आचार्य की उक्ति है? तो ध्वनि से संबंधित है, तो आनंद वर्धन है और नवी सदी इनका समय है। प्रश्न नंबर 20 है पोएटिक्स के रचनाकार कौन है? तो पोएटिक्स जो है किसकी है? 20 का सही जवाब आपका हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। पोएटिक्स जो है इसमें 12 और 20वां जो अध्याय है, 26 अध्याय है इसमें, 12वां और 20वां जो अध्याय है वो बाद में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा अध्याय जो है बाद में जोड़ा गया था, तो 12 और 20। 21 नंबर, देवनागरी लिपि में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। 21 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो 22 का यहाँ पे ईयर संधि सही जवाब आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका है अणा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो टा जो है उसमें मूर्धा आता है, उसी में णा आता है। प्रश्न नंबर 24 से आश्रित का विलोम होगा, तो यहाँ पे 24 का सही जवाब हो जाएगा निराश्रित। 25 नंबर प्रश्न है आपका, अति सूधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति किसकी है? तो ये है घनानंद की, और घनानंद का समय है 1689, 1555 केशवदास भूषण 1613, और रसखान इनका क्या है बताइएगा आप लोग। वैसे इनका समय जो है रसखान का 1556 माना जाता है, ठीक है। 26 नंबर, अभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय जो छंद है वो कौन सा है? तो ये दोहा है। 27 नंबर, जन्म ग्वालियर जानिए खंडे बुंदेले वाल पंक्तियां किसका परिचय देती हैं? तो ये हैं आपके बिहारी, जिनका समय है 1595। सेनापति 1589, पद्माकर 1753, ठीक है, सही से लिखते हुए नहीं बन रहा। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है आपका, देसिल बैना का पर्याय क्या होगा? तो ये सी ऑप्शन अर्धमांगती, देसिल बैना सबजन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है, जिनका समय है 13वीं सदी। 29 नंबर प्रश्न है, मेरठ सहारनपुर और बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं खड़ी बोली के, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, वीर सिंह देव चरित रत्न बावनी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि केशवदास ने ये लिखा है। चिंतामणि का समय 1609 है, देव जो है 1673, ठीक है, नोट कर लीजिए। केशवदास 1555, भूषण 1613, ठीक है, ये समय है इनका, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। डोंग उपबोली किस राज्य में बोली जाती है? डोंगी 31 नंबर प्रश्न है, ये राजस्थान में बोली जाती है, नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो ये नाथ संप्रदाय में मिलती है, और स्त्री संसर्ग सिद्ध संप्रदाय में आती है, ठीक है। 33 नंबर है, सही वर्तनी कौन सी है? तो ज्योत्सना जो है सही हो जाएगी, तो 33 का सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कवि कौन से हैं? यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह की कविता है, यहाँ से देखो, ठीक है। और केदारनाथ सिंह जो है ये प्रयोगवाद में आते हैं, जिनका समय है 1932, इनका जन्म 1932 में हुआ था। नचिकेता किस काव्य का नायक है? तो ये है आत्मजयी, 1965 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है, रघुवीर सहाय की रचना है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अगेन सी ऑप्शन।
37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोहरे किसका उपन्यास है? सुधा अरोड़ा का है, तो नोट कर लीजिएगा कोहरे। 38 नंबर है, रात में हारमोनियम के कवि कौन है? रात में हारमोनियम 38, तो ये कुमार कृष्ण है, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, रक्तबीज कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 39 का डी ऑप्शन, सत्य प्रकाश। रक्तबीज, और रक्तबीज नाम से नाटक किसने लिखा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही फेमस रचनाकार हैं, ठीक है। 40 नंबर है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, पंक्ति किस की है? तो यह है सी ऑप्शन, महादेवी वर्मा। अच्छा, इन चारों रचनाकारों का जन्म समय क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, बयम रक्षामा किसकी रचना है? ये उपन्यास है, 1955 में ये प्रकाशित हुआ था, चतुर्सेन शास्त्री का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा है 42, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, पंक्ति किस रचना से है? तो ये आंसू से है, आंसू 1925 में ये प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, अद्भुत लास के रचनाकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी, इन्होंने जासूसी प्रकृति के उपन्यास लिखे हैं। तिलस्मी प्रकृति के उपन्यास किसने लिखे हैं, रचनाएं किसने लिखी हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 44 नंबर है, चना जोर गरम किस पंक्ति की रचना, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो डी ऑप्शन, नागार्जुन जी हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, तो 45 में है, सेल्मा किस उपन्यास का की पात्र है? तो ये सी ऑप्शन, अपने अपने अजनबी जो अग्गे जी का उपन्यास है और अधूरा है, 1961 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 46 नंबर है, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? 46, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह त्रिवेणी। 47 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये नेट जीआरएम में भी पूछा जा सकता है। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन किस उपन्यास से है? तो वाणभट्ट की आत्मकथा 1946, ठीक है। वैशाली की नगर वधु 1949, सेवा सदन 1918, निर्मला 1927, नोट कर लीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, नींद के बादल 1947 केदारनाथ अग्रवाल, 1911 में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन का भी 1911 में है, त्रिलोचन 1917, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है, महुआ चरित उपन्यास के लेखक कौन है? तो 49 सही जवाब हो जाएगा अखिलेश, महुआ चरित उपन्यास के लेखक कौन है? तो अखिलेश हैं। इसका अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, जबलपुर में प्रकाशित होने वाली शारदा पत्रिका में छायावर नाम से किसका लेख प्रकाशित हुआ था? तो सी ऑप्शन, मुखदर पांडे 1920 में, ठीक है, और जुलाई माह में, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था किस माह में, तो 20 जुलाई को, ठीक है, मुकुटधर पांडे। तो ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, और जो भी प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके, और फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। देखती हूँ कितने लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।